नमस्कार, हजारीगंज में आप सभी का स्वागत है। अपने जिले की खबरों से लगातार जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। शिक्षाधिकारी राम प्रवेश ने हजारिया टाइम के जिला संवाददाता विनोद मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय योनी में जिस तरह से विगत दिनों पहले जो दीवारों पर ब्राह्मणों की भावनाओं को आहत करने वाले वाक्य लिखे हुए थे, उसके संदर्भ में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोनों अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। तो वहीं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे भी जो भी चार्ज बनेंगे, जो भी दोषी जांच जारी है, आगे भी जो भी चार्ज बनेंगे, जो भी दोषी होंगे, उन पर और अधिक कार्रवाई भी होगी। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी तालवेट को भी उन्होंने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। वहीं आइए सुनते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चैनल के माध्यम से ब्राह्मण समाज से अपील करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि जो दोषी अध्यापक थे उनको तुरंत निलंबित कर दिया गया है। तत्काल ही उस स्लोगन को हटा भी दिया गया है। जांच के बाद जिसकी जितनी भूमिका आएगी उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड भी दिया जाएगा और वर्तमान में त्वरित कार्रवाई की गई है। हमारा ब्राह्मण समाज से अनुरोध है कि वो अपने विरोध प्रतिरोध को स्थगित कर दें जांच रिपोर्ट आने तक। जांच रिपोर्ट के बाद जो कार्रवाई की जाएगी उससे हर हाल में दोषियों को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इस समय जनपद में शैक्षिक माहौल और विद्यालय का कायाकल्प परिवर्तन का काम जोर शोर पर चल रहा है, जिसको कोई भी किसी भी जनपद के किसी भी क्षेत्र में विद्यालयों की इस वर्तमान दशा को देख सकता है। तो आपका सहयोग हमें इसलिए चाहिए ताकि उस काम को हम आगे बढ़ा सकें और शैक्षिक माहौल पुनः स्थापित हो सके और हमारे किसी भी विद्यालय में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। इसके भी लिखित आदेश हमने सभी अध्यापकों को और अन्य शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए हैं कि ऐसा कोई भी स्लोगन किसी भी विद्यालय परिसर में नहीं लिखा होना चाहिए, जिससे किसी भी धार्मिक धर्म विशेष या जाति विशेष या समूह विशेष की भावना आहत होती है। तो पुनः मैं ब्राह्मण समाज से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कार्रवाई तत्काल में कर दी गई है, अतः आप अपने प्रतिरोध को स्थगित कर दें और हमारा सहयोग करें जिससे जनपद में और शैक्षिक उन्नयन का काम किया जा सके। अभी क्या कार्रवाई की गई है? अभी तत्काल प्रभाव से दोनों खंड शिक्षा दोनों अध्यापकों को निलंबित किया जा चुका है और शिथिल पर्यवेक्षण के लिए वहां के खंड शिक्षा अधिकारी को सो कार्ड नोटिस भी जारी किया जा चुका है। धन्यवाद।